आप अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने उतरे हैं। आपकी टीम का स्टार ओपनर और वाइस कैप्टन अभी अभी आउट हुआ है। टीम ट्रबल में है। सीरीज में ऑपोजिशन 2-1 से आगे है और ये मस्ट विन मैच है। स्कोर 27-1। और गेंदबाज ये वो गेंदबाज है जिसने अपने रीसेंट करियर में स्टीव स्मिथ, मानस लैबुशेन और ना जाने कितने बैटर्स को अपनी बाउंसर्स से रौंदा है। अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है और क्रिकेट की दुनिया में अपने आप को सबसे डेंजरस बॉलर के तौर पर इस्टेब्लिश किया है। ऐसी सिचुएशन में क्या चलेगा आपके मन में? 145 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से आने वाली डिलीवरी और ढेर सारा प्रेशर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 सितंबर 1990 को मुंबई में जन्मे सूर्य कुमार अशोक यादव बचपन से ही बैडमिंटन और क्रिकेट में रुचि रखते थे। जब वो 10 साल के थे तब उनके फादर को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब मिल गई और पूरी फैमिली वाराणसी से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आते ही सूर्या के पिता ने उन्हें BARC कॉलोनी के क्रिकेट कैंप में एनरोल करा दिया। यहां से सूर्या की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। चेंबूर की गलियों से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट का सफर उनके लिए काफी दिलचस्प रहा। दिलीप वेंगसरकर की एकेडमी में ट्रेनिंग हुई। इसके बाद वो पारसी जिमखाना क्लब, भारत पेट्रोलियम, शिवाजी पार्क जिमखाना और दादर जैसे कई क्रिकेट क्लब्स में खेले और फिर फाइनली उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ 2010-11 के सीजन में, जब मुंबई की टीम से उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। जब वो बैटिंग करने आए तो ऑपोजिट एंड पर खड़े थे उनके फ्यूचर IPL और इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा। अपने पहले ही मैच से सूर्या ने दिखा दिया कि उनमें प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी कितनी जबरदस्त है। 73 रन की पारी खेल के उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और आने वाले रणजी सीजन में भी मुंबई के हाईएस्ट स्कोरर बने। स्काई के अर्ली टैलेंट को रोहित शर्मा ने काफी नजदीकी से परखा था और उन्होंने 2011 में ही ये ट्वीट कर दिया था। और इसी के साथ 2012 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें उनका पहला IPL कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। लेकिन इस साल उन्हें कुछ खास मौका नहीं मिला। 2014 में वो KKR द्वारा खरीदे गए और इसी के साथ उनकी लाइफ का आया टर्निंग पॉइंट। फिनिशर का रोल निभा रहे सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में अपने गेम को और निखारा और KKR के चैंपियनशिप सीजन में वो 5 बार अंत तक नॉट आउट रहे, मोस्ट बाय एन अनकैप्ड प्लेयर। 2014 सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में KKR को 153 रन चाहिए थे, 85/3 के स्कोर पर बैटिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 31 रन की आतिशी पारी खेली सिर्फ 19 बॉल्स में और मैच को टाई तक पहुंचा दिया। ये वो सीजन था जब सूर्या को कंसिस्टेंटली खेलने का मौका मिल रहा था, अनलाइक हिज डेज एट द मुंबई इंडियंस। सूर्या ने 16 के 16 मैचेस खेले और सभी की नजरों में आ गए। इसी सीजन में पहली बार किसी ने सूर्या को स्काई बोला था और वो कोई और नहीं, खुद गौतम गंभीर ही थे। सूर्या अपने बैटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ पे तो काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशनिंग अभी बाकी थी। इसी साल रणजी ट्रॉफी में MP के खिलाफ एक मैच में कैप्टेंसी करते वक्त सूर्य कुमार यादव की ऑन फील्ड बहस हो गई शार्दुल ठाकुर से। दरअसल फील्ड सेटिंग को लेकर दोनों एक दूसरे से नाखुश थे और सूर्या ने तो ये तक कह दिया कि शार्दुल ठाकुर को आने वाले मैचेस में ना खिलाया जाए। मुंबई का सीजन कुछ खास नहीं जा रहा था, लेकिन शार्दुल और सूर्या कोइंसिडेंटली अच्छा कर रहे थे। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सीज और बढ़ती चली गई। सूर्या ने मिड सीजन कैप्टेंसी से रिजाइन किया और आदित्य तारे को मुंबई की कमान सौंपी गई। इस समय सूर्या KL राहुल, श्रेयस अय्यर, वसीम जाफर और शार्दुल जैसे प्लेयर्स को लीड कर रहे थे। इसी साल BPCL के लिए एक मैच में खेलते वक्त जब सूर्या जल्दी आउट हो गए तो उन्हें ड्रेसिंग रूम में कांच तोड़ते हुए देखा गया। MCA ने एक बार फिर उन्हें डिसिप्लिनरी हियरिंग के लिए बुलाया। इन कॉन्ट्रोवर्सीज ने सूर्या के लिए समझो आगे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अपने टैलेंट की वजह से शायद वो अब तक इंडिया कॉल अप पा चुके होते, लेकिन अपने एटीट्यूड और शॉर्ट टेम्पर की वजह से उन्हें निराशा ही हासिल हुई। स्काई ने 2015 IPL में MI के खिलाफ पहले मैच में दोबारा जबरदस्त प्रदर्शन किया और सुर्खियां बटोरी। इस साल उन्हें वाइस कैप्टन और मिडिल ऑर्डर का इम्पोर्टेंट रोल भी मिला। उनकी बॉडी लैंग्वेज और अप्रोच दोनों को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। प्रवीण आमरे, जिनके सामने स्काई की डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई थी, वो मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे और सूर्या की 46 ऑफ 20 रन की विक्टोरियस पारी के बाद बोले कि सूर्य कुमार अब ज्यादा सिंसियर और काम हो गए हैं। लेकिन किस्मत मानो कुछ और ही जा रही थी। उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स अपना इंडिया डेब्यू कर रहे थे और वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट या IPL ही खेल रहे थे। 2016 में सूर्या की शादी उनकी कॉलेज की दोस्त देविशा शेट्टी से हुई और सूर्या एंड इवन रोहित शर्मा देविशा को ही स्काई का लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि शादी के बाद
देविशा ने ही उनके साथ बैठ के बात की कि तुम इतना अच्छा खेल रहे हो पर कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इंडिया के लिए कॉल अप नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर उन चीजों को कंसिडर करो जो तुम बदल सकते हो। तो स्काई ने पेन और पेपर लेकर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जिनमें वो सुधार ला सकते थे। एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया, स्पेसिफिक बैटिंग कोच सिलेक्ट किया, अपने सोने और खाने पीने का स्ट्रिक्ट समय तय किया, छोटी छोटी चीजों के लिए क्लियर गोल सेट किए और बोला चलो इसमें सुधार करते हैं और ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। इसके बाद 2016 में सपोर्ट स्टाफ से किसी ने उन्हें मेडिटेशन करने की सलाह दी और सूर्या का जवाब ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। स्काई ने दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उनको ये रिजल्ट्स फील्ड पर दिखने लगे। उनके दिमाग में क्लैरिटी आ गई और खासकर T20s में उन्होंने सोच लिया कि कैसे कोई भी सिचुएशन हो अपने स्ट्राइक रेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दिमाग में क्लैरिटी थी, अब वो फील्ड के हिसाब से अपने शॉट्स ग्राउंड के किसी भी कोने में खेल सकते थे। उनके लैप शॉट के तो जैक स्कैलिस इतने दीवाने थे कि KKR के दिनों से उनसे वो शॉट सीखना चाहते थे। 2016 से वक्त बदल रहा था और 2018 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें वापस खरीद लिया। टीम इंडिया में स्काई के सिलेक्शन की बातें उठने लगी और फैंस गुहार लगाते रहे, लेकिन सूर्या को अभी और लंबा सफर तय करना था। 2019 और 2020 IPL सीजन में तो सूर्या का स्ट्राइक रेट और भी बेहतर हो गया, लेकिन इंडिया की जर्सी अभी भी दूर थी। वहां टीम इंडिया एक अच्छा नंबर 4 बैटर ढूंढने में स्ट्रगल कर रही थी और यहां सूर्या अपनी किस्मत से। इस बीच सूर्या के फादर उन्हें व्हाट्सएप पर बताते रहते थे कि तुम्हारे बारे में लोग बात कर रहे हैं कि टीम में शामिल होना चाहिए, सपोर्ट कर रहे हैं, जल्द ही वो समय आएगा। वो सूर्या को हमेशा माइक हसी का एग्जाम्पल देते थे कि जैसे माइक हसी ने क्रिकेट में देर से एंट्री करी लेकिन उन्हें आज भी मिस्टर क्रिकेट के नाम से याद किया जाता है। तो भले ही कम खेलो लेकिन ऐसा खेलो कि सब याद करें। गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया में शामिल ना होने के बावजूद सूर्या हमेशा अपने गेम पर काम करते रहे। मुंबई में मॉनसून जब होता था तब वो बैंगलोर और नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में खेलते थे ताकि उनका गेम आगे बढ़ता रहे और इम्प्रूव करते रहे। इसी बीच T20 मुंबई 2019 में उनकी एक और अनबिलीवेबल पारी आ गई, जब 34/5 होने के बाद सूर्या ने धमाकेदार बैटिंग करके टीम का स्कोर 182 तक पहुंचा दिया। वो सारे छोटे छोटे चेंजेस सब सूर्या को फायदा दे रहे थे और इंडिया कॉल अप की ड्रीम अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। 26 अक्टूबर 2020 IPL मिड सीजन के दौरान ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंडियन टीम की घोषणा हुई और इस बार भी सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं मिली। इस वक्त स्काई 30 साल के हो चुके थे और ऐसा लगने लगा था कि ये शायद उनकी सिलेक्शन की आखिरी उम्मीद थी। स्काई बहुत निराश थे और MI कैंप में किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। इमेजिन, आप पिछले 4 साल से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जो चाहिए वो कर रहे हैं, हर वो चीज इंप्रूव कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी आपको मौका नहीं मिल रहा है। अगले दिन सूर्या को महिला जयवर्धन ने और जहीर खान ने अपने पास बुलाया और उनको यकीन दिलाया कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। अगले मैच में RCB के खिलाफ यदि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये सिलेक्टर्स के मुंह पे करारा जवाब होगा। और कुदरत का खेल देखिए, नेक्स्ट डे RCB के खिलाफ मैच में टारगेट 165 और अर्ली विकेट्स गिरने के बाद सामने खड़े थे सूर्य कुमार यादव। सूर्या कहते हैं उस दिन ग्राउंड में वो बहुत नर्वस थे, फैमिली आई हुई थी, सबकी नजरें और सिंपथी उनके साथ थी, मौका था जवाब देने का और प्रेशर था अपनी ही एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का। वो तो भला हो पहले फील्डिंग की तो वो थोड़ा शांत हुए, लेकिन अब सिचुएशन परफेक्ट थी मुंबई को इस सिचुएशन से मैच जिताने की। एक तरफ से विकेट्स गिरते रहे, कोई भी बल्लेबाज 25 रन से ज्यादा नहीं बना पाया, लेकिन डटे हुए थे तो सूर्य कुमार यादव। ये वही मैच था जिसमें उनका और विराट का वो फेमस टेयरिंग कॉन्टेस्ट हुआ। सूर्या बताते हैं कि ये काफी इंस्टिंक्टिव था, लेकिन उनके अंदर से उनकी हालत खराब थी और वो खुद से प्रे कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए अपना मुंह नहीं खोलेंगे। 165 चेस करते हुए सूर्या ने 10 चौके और 3 छक्के मारकर मैच अकेले दम पे जिता दिया और ये फेमस सेलिब्रेशन किया। इस मैच के बाद रोहित शर्मा ने उन्हें बोला, इंडिया टीम का दरवाजा खुलेगा, अगर नहीं खुलता है तो ऐसे ही खेलता रहे और तोड़ दे। सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री ने भी उनके सपोर्ट में ट्वीट किया। उम्मीदों के सूर्य ने फिर से नमस्कार किया। मुंबई इंडियंस इस सीजन का चैंपियन रहा और सूर्य कुमार यादव ने 145 के स्ट्राइक रेट से 480 रन मारे एट एन अमेजिंग एवरेज ऑफ 40। हिंदी में एक फेमस कहावत है, चलते रहना है चलते रहना है, क्योंकि रुके हुए पानी को कभी समुद्र नहीं मिलता। 20 फरवरी 2021 को वो दिन आ ही गया जब हर अखबार, हर ट्वीट, हर न्यूज हेडलाइन सिर्फ एक ही बात कर रही थी, सूर्य कुमार यादव रिसीव्स मेड इन इंडिया कॉल अप। जब ये खबर आई तो सूर्य अपने इमोशंस रोक नहीं पाए,
खुद को कमरे में बंद किया, पूरी फैमिली को वीडियो कॉल किया और देखे अपनों के खुशी के आंसू। इतने सालों की मेहनत, स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट और इंतजार के बाद स्काई को मिल ही गई टीम इंडिया की ब्लू जर्सी। तो आइए वहीं चलते हैं जहां से शुरुआत की थी। जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंद और सूर्य कुमार यादव का अनऑर्थोडॉक्स सिग्नेचर पुल, गेंद सीमा रेखा के पार 6 रन। सिक्स मारने के बाद भी च्युइंगम चबाते हुए शांत अंदाज में नॉन स्ट्राइकर केएल राहुल को फिस्ट बम देते हुए सूर्य कुमार यादव एकदम काम और कंपोज दिखे। दुनिया के लिए उनकी पहली ऑन फील्ड इंटरनेशनल पारी थी, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि वो इससे भी बड़े बड़े बैटल्स जीत कर आ रहे थे। इसके बाद की कहानी आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जाने से पहले स्काई की स्टोरी का ये लेसन जरूर सुनते जाए। कितना भी खुद को कोस लें कुछ नहीं होगा, कितना भी किस्मत को कोस लें कुछ नहीं होगा। एक बार जो सच में आपके नियंत्रण में है उस पे काम करके देखें, फिर देखिएगा वो होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नजरिए के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं जो सब कुछ करने के बावजूद ज़िंदगी से हार चुके हैं। मेरा नाम है शिवांग श्रीवास्तवा, AKA शिव_inspires ऑन इंस्टाग्राम। एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें।